Hello students, we are going through Landscape of the Soul, written by Natali Kovalev. This is the third part of the lesson, and in this part, we will read about an article written by an independent journalist, Brinda Suri. Brinda Suri, जो एक independent journalist हैं, उन्होंने एक article लिखा है, उस article को हम इस तीसरे part में पढ़ने वाले हैं. This article was published in Hindustan Times on 28th August 2005. यह जो article था, इस article को 28 August 2005 में Hindustan Times में publish किया गया था. In this article, she has explained about outsider art under the topic Getting Inside Outsider Art. इस article में ब्रिंदा सूरी जी ने हमको बताया है कि आउटसाइडर आर्ट भी कोई आर्ट होती है. वो आउटसाइडर आर्ट क्या होता है और किस तरीके के लोग आउटसाइडर आर्ट के अंदर आते हैं, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द आर्टिकल विदाउट एनी डिले. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफे मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट इन द 1940s में जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफे ने आर्ट ब्रट नाम के कॉन्सेप्ट पर, आर्ट ब्रट नाम की अवधारणा पर विचार किया. मूटेड मीन्स आइडिया, कोई किसी कॉन्सेप्ट पर विचार करना. तो जीन डुबेफे आर्ट ब्रट नाम के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रहे थे, आर्ट ब्रट नाम की अवधारणा को डिस्कस कर रहे थे. उस समय तक द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, ये जो अनट्रेंड विजनरी की आर्ट होती थी, ऐसी आर्ट जो अनट्रेंड विजनरी लोगों की होती थी, ऐसे लोग इस आर्ट के अंदर आते थे जो किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं लेते थे, वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो ऐसी आर्ट जो थी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट थी, उस पर बहुत कम लोगों की रुचि हुआ करती थी, लोगों को आर्ट ब्रट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, इसका जो शुरुआत हुई वो लगभग वेल्ड हुई, बड़ी अस्पष्ट हुई. द बिगनिंग वॉज नॉट क्लियर ऑफ आर्ट ब्रट. आर्ट ब्रट की शुरुआत जो थी वो वेल्ड थी, बड़ी धुंधली थी, बहुत अस्पष्ट थी. आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम, तो क्या हुआ उसके बाद, आउटसाइडर आर्ट नाम का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एरिया हो गया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में समकालीन कला में रुचि का बढ़ता क्षेत्र सबसे तेज हो गया. अब क्या हुआ, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोग आने लगे, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोगों की रुचि होने लगी, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया. क्या बन गया फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, आउटसाइडर आर्ट. इसकी जो शुरुआत हुई वो बहुत धीमे हुई, बहुत धुंधली हुई, और बहुत कम लोगों का इस पर इंटरेस्ट हुआ करता था. लेकिन अभी क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से समकालीन कला का फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया है. दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. ये जो जेनर है, ये कला के इस रूप में, कला की इस शैली में इज डिस्क्राइब्ड, आर्ट ब्रट को डिस्क्राइब किया जाता है एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की कला, आर्ट ब्रट नाम की जो शैली है, आर्ट ब्रट नाम की कला की शैली उन लोगों के लिए डिस्क्राइब की जाती है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको कलाकार बनने का कोई अधिकार नहीं है. क्यों, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, कोई डिप्लोमा कोई डिग्री उनको इसके लिए नहीं मिली है. यट फिर भी सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपनी टैलेंट अपनी प्रतिभा को और अपनी आर्टिस्टिक इंसाइट को, अपनी जो कलात्मक अंतर्दृष्टि होती है, आर्टिस्टिक इंसाइट है, वो शो करते हैं. फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद भी उनमें टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट कूट कूट के भरी होती है. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, उनके जो कार्य होते हैं वो स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट होते हैं, बड़े उत्तेजक रूप में कॉन्ट्रास्ट करते हैं टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, जो मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम
ऑफरिंग्स जो मुख्य धारा में जो लोगों ने काम किए हैं, जो लोगों की कला के जो कंट्रीब्यूशन है, उनसे इनके काम जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। इनके काम एक स्पेशल स्थान रखते हैं, एक विशेष प्रकार के रूपरेखा से बने होते हैं, और जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स हैं उनसे इनके काम बिल्कुल हटके होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। अराउंड द टाइम डुबेफे वॉज प्रपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, लगभग उस समय जिस समय डुबेफे अपने कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड कर रहे थे, जिस समय डुबेफे अपनी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक उसी समय इन इंडिया भारत में एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक ऐसा जीनियस जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, जिसने कोई ट्यूशन नहीं ले रखा था, भारत में एक अनट्यूटर्ड जीनियस ठीक उसी समय वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, स्वर्ग की रचना कर रहा था। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ए बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्पटेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, बरसों पहले उन्होंने जंगल के एक छोटे से टुकड़े को साफ किया और उसमें पत्थरों को काट छांट के, पत्थरों में नक्काशी करके एक गार्डन बनाया, और पत्थरों के साथ साथ एंड रिसाइकल्ड मटेरियल भी यूज किया, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी सामग्री को यूज किया जो दोबारा प्रयोग में लाई जा सकती थी। इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, आज वही गार्डन पूरे विश्व भर में चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से फेमस है। मीन्स ये जो अनट्यूटर्ड जीनियस थे जो यहाँ पर इंडिया में पैराडाइज का क्रिएशन कर रहे थे, उन्होंने एक छोटे से जंगल को काट के उसमें पत्थर से और रिसाइकल्ड मटेरियल से गार्डन बनाया, और वही गार्डन वर्ल्ड फेमस हो गया और रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, और जो कि चंडीगढ़ में है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, इस रॉक गार्डन के निर्माता निर्देशक 80 वर्षीय नेकचंद हैं, इज नाउ हेल्ड जिनका अब स्वागत किया जाता है एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, भारत के सबसे बड़े आउटसाइडर आर्ट के कॉन्ट्रीब्यूटर के रूप में आज नेकचंद जी का स्वागत किया जाता है। द 50th issue स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, अ यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस। इनका कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है नेकचंद जी का पूरे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में, वो इस बात से पता चल रहा है कि 50th issue ऑफ रॉ विजन, रॉ विजन का 50वां अंक आया, और रॉ विजन क्या है, रॉ विजन इज़ अ यूके बेस्ड मैगजीन, यूके बेस्ड एक मैगजीन है जो पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, जो क्या करती हैं, जितनी भी मैगजीन्स होती हैं जो आउटसाइडर आर्ट के फॉर्म के जितने भी क्रिएशन होते हैं उनको पब्लिश करती हैं अपनी मैगजीन में, तो उन मैगजीन्स में सबसे अग्रणी मैगजीन जो है, सबसे पायोनियर मैगजीन है, वो है रॉ विजन। तो रॉ विजन ने क्या किया, फीचर्स नेकचंद, नेकचंद जी का फोटो लगाया एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमन बाय वाटरफॉल, उनकी एक फेमस स्कल्पचर रॉक गार्डन की थी जिसका नाम है वुमन बाय द वाटरफॉल, ऑन हिज एनिवर्सरी इशू कवर, अपने एनिवर्सरी इशू कवर पर उन्होंने क्या किया, अपने एनिवर्सरी के इशू कवर पर, उनका जो वार्षिक जो मैगजीन का इशू कवर निकलता था, जो अंक निकलता था, उसके मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने नेकचंद जी का और उनके रॉक गार्डन में वुमेन बाय द वाटरफॉल को दिखाया, उसका फोटो लगाया। तो ये बात समझ में आती है कि इतनी पायोनियर्ड मैगजीन ने अपने इशू कवर में, एनिवर्सरी इशू कवर में नेकचंद जी का और उनकी स्कल्पचर का फोटो लगाया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट का विचार उन कामों से है, उन कलाकृतियों से है जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के सामने अपनी रॉ स्टेट में है, अपनी कच्ची अवस्था में है। एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक,
आर्टिस्टिक मीन्स कलात्मक। तो क्या है इनको अभी कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के सामने अपने रॉ स्टेट में है। क्या है रॉ स्टेट में? आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट का कॉन्सेप्ट किसके सामने रॉ स्टेट में है? कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के सामने अभी अपनी कच्ची अवस्था में है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ और प्रत्येक चीज़। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें कुछ भी और हर चीज़, चाहे वो टिन हो या फिर वो कोई सिंक हो, टू अ ब्रोकन डाउन कार या कोई ख़राब कार हो, वो इस आर्ट का मटेरियल बन सकती है। इस आर्ट में इन सारी चीज़ों की सामग्री यूज की जा सकती है, चाहे कुछ भी चीज़ हो वो इस आर्ट के फॉर्म में लगाया जा सकता है। समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट, कला का वह रूप जिसको नेक चंद ने क्या प्रदान किया? एक डिजलिंग हाइट प्रदान की, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान नेक चंद जी ने इस कला को दिया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, उनकी आर्ट को मान्यता देते हुए, उनकी आर्ट को इस रूप में मान्यता देते हुए कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस, यह क्या होता है? एक अंतर बताने के लिए बहुत बड़े प्रमाण के रूप में आ जाता है। कब? अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, एक इंसान जब अपने सपनों को जीने लगता है, एक इंसान जब अपने सपनों को जीता है तो वह भारी अंतर पैदा कर सकता है। इस बात को मान्यता देते हुए, इस बात को उनकी कला से जोड़कर, उस कला को मान्यता देते हुए द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, यूनेस्को के लिए जो स्विस कमीशन बनी हुई है, विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। यूनेस्को के लिए जो स्विस कमीशन है, वह उनके कार्यों को यूरोपीय प्रतिपादन के रूप में लेकर उनको सम्मानित करेगा। रेलम ऑफ नेक चंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। रेलम ऑफ नेक चंद का 5 महीने का एक इंटरेक्टिव शो शुरू होगा। वो कब होगा? इंटरेक्टिव शो शुरू होने वाला वो अक्टूबर में होगा। और इस शो को कहाँ दिखाया जाएगा? एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। इस शो को स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के जो लीडिंग म्यूजियम्स हैं, जो प्रमुख संग्रहालय हैं, वहाँ पर दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, द बिगेस्ट रिवॉर्ड, सबसे बड़ा रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग, घूम रहा है थ्रू द गार्डन, बगीचे में घूम रहा है। नेकचंद कहते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे बगीचे में घूम रहा है, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, और क्या है, मेरी कृतियों को, मेरी आर्ट फॉर्म को लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये उनका जो एंजॉय करना है, उनको आनंदित होते हुए जब मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आउटसाइडर आर्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आउटसाइडर आर्ट उस आर्ट फॉर्म को कहते हैं जिसमें लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, इनसाइट होता है, विजन होती है, लेकिन अपने को आर्टिस्ट कहलवाने के लिए उनके पास कोई राइट नहीं होता, बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिग्री, एनी डिप्लोमा रिगार्डिंग दैट आर्ट। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कलाकार होते हैं लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, पर वो अपनी कलाकारी के दम पर मेनस्ट्रीम में जो कलाकारी होती है उनको बहुत पीछे रख देते हैं। मेनस्ट्रीम के जितनी कंट्रीब्यूशन होते हैं उनमें उनकी कला बिल्कुल अलग होती है। ये लोग बहुत जीनियस होते हैं लेकिन इनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से आर्टिस्ट कहलाने का इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे लोग आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट के नोशन में आते हैं।